हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के, और आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप बिल वाइज डिटेल को चालू नहीं करते हैं, ईआरपी 9 की बात कर रहा हूँ, अगर आप बिल वाइज डिटेल जो ऑप्शन आता है अगर उसे चालू नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पहली बात ठीक है। F11 की प्रेस करना है, F11 की प्रेस करते ही ये कंपनी फीचर्स आएगा। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स पर चले जाइएगा, कंपनी हमारी इंडिया मार्ट वाली है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल दिया हुआ है, इसको मैंने यस कर रखा है। क्या होगा अगर इसको नो कर देता हूँ, कोई खास फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसी के बारे में जानना है। तो इसको नो कर दिया है, कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद अब हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक परचेज में एंट्री पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे आए और परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं आप। तो ये F9 प्रेस कर लिया, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ये क्रेडिटर पार्टी मैंने बना रखा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम ले लेंगे, लाइक शुगर ले लिया हमने, तो यहाँ पे लोकेशन की बात आएगी। अभी फिलहाल मेन लोकेशन रख देता हूँ और यहाँ 60 किलो शुगर की बात करेंगे, 40 रुपये रेट के हिसाब से। तो ये हो गया ठीक, ये हमने परचेज कर लिया और इसको एक्सेप्ट भी करा लिया। अब ये एंट्री हमें यहाँ पे दिखेगी, ये देख सकते हैं, यही हमारी एंट्री है जो हमने अभी पास की है, ठीक है। अगर प्रिंट करवाना है तो ऑल्ट पी करके प्रिंट भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम ठीक है। तो फिलहाल हमें प्रिंट तो अभी निकालना नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट नहीं निकालना है तो फिर क्या करना है, फिलहाल हमें देखना है कि पेमेंट करते वक्त क्या एक अलग से जो बिल वाइज डिटेल का विंडो खुल के आता था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही फायदा है बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को चालू करने का। अभी हमने बंद कर दिया है तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो चलिए वापस से चलते हैं वी प्रेस करके बाउचर में, फिर आ जाते हैं पेमेंट बाउचर में F5 प्रेस करके, और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो लगा लेते हैं क्रेडिटर पार्टी के लेजर को। अब यहाँ पर देखिए 2400 रुपये इनका बकाया दिखा रहा है, अगर आप 2400 रुपये देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आएगी। देखिए कोई भी विंडो खुल करके नहीं आ रही है, एडजस्टमेंट एंट्री वाली विंडो नहीं आएगी। जब आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन चालू नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री वाली विंडो नहीं आएगी। यही अगर मैं इसको चालू कर देता हूं, बाहर आ जाता हूं और यहां से F11 प्रेस करके आ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर में और एंटर करते हैं यहां पे इसको चालू कर देते हैं, ये यस कर दिया, कंट्रोल ए कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या इफेक्ट आता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ वी बटन प्रेस करके आ गए पेमेंट वाउचर में, इन्हीं का बाकी था लोकेश प्राइवेट लिमिटेड। तो क्रेडिटर पार्टी हमारी यही है, तो इनको हम 2400 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 2400 रुपये जैसे ही डालेंगे तो ये बिल वाइज डिटेल वाली विंडो आ जाती है। यहाँ पर अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट आपको मेथड दिखता है, एडवांस है कि अगेंस्ट है, किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है कि नया पेमेंट है, या ऑन अकाउंट जो कि विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है वो है। तो जो भी आपको लगता हो कि ये हो सकता है वो आप डाल सकते हैं। यही फायदा है बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को चालू करने का। उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।